हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत, वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। दूसरा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें जो हॉर्मोन्स पार्टिसिपेट लेते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें गेमेटोजेनेसिस होता है। आपने देखा होगा, जैसे हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बेसिक जो डिफरेंस था वो था हमारा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन्स के देर इज नो गेमेटोजेनेसिस इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेर इज इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, मीन्स के गेमेट्स बनते हैं विच इज नोन एज ए गेमेटोजिनेसिस, जिसको हम बोलते हैं गेमेटोजिनेसिस। नाउ तो गेमेटोजिनेसिस आप जो देखोगे तो देर आर टू टाइप्स ऑफ गेमेटोजिनेसिस। जो मेल के अंदर जो होता है जहाँ पे मतलब स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजिनेसिस। तो मतलब दो तरह के हमारे गेमेटोजिनेसिस होगा, एक होगा हमारा स्पर्मेटोजिनेसिस और दूसरा होगा हमारा ओजिनेसिस। स्पर्मेटोजिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो मेल के अंदर होगा, मींस के मेल गेमेट्स, और ओजिनेसिस जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो फीमेल के अंदर होता है। तो जो स्पर्मेटोजिनेसिस होता है जहाँ पे मतलब के स्पर्मेटोजोवा बनता है, मीन्स के स्पर्म बनते हैं, मेल गेमेट्स बनते हैं, उस प्रोसेस को समझने के लिए हार्मोनल कंट्रोल जो होते हैं, बरोबर, सो वी हैव अंडरस्टैंड द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल ह्यूमन मेल। आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, फर्स्ट यू हैव टू प्रिसाइसली अंडरस्टैंड द हार्मोनल कंट्रोल। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम बात करेंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिए, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दिस वे यू कैन मोटिवेट अस, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमारा जो टारगेट है कि भाई बोर्ड में बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप ले सके, मतलब यू कैन गेट अ मैक्सिमम मार्क्स इन अ बायोलॉजी इन बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नेट एग्जाम। तो उसके लिए थोड़ी हेल्प आपकी तरफ से चाहिए कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज शेयर इट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इट्स ओके। सो ये मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट इसके लिए कर रहा हूँ कि जस्ट ये हमको मोटिवेट करता है अच्छे वीडियो देने के लिए, अच्छे लेक्चर देने के लिए हमको मोटिवेट करता है। सो आज हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन से हार्मोनल हार्मोन्स होते हैं और कौन इसको सीक्रेट करता है। तो फर्स्ट फ्रेंड आपको याद रखना है कि हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं उनको कौन कौन कंट्रोल करता है और कौन पार्टिसिपेट लेता है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बरोबर, और दूसरा होता है हमारे टेस्टिस। सो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपको याद रखना है। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड टेस्टिस दे इंटरेक्ट एंड दे रेगुलेट मेल रिप्रोडक्शन। ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस तरह से बाय दिस वे दे रेगुलेट मेल रिप्रोडक्शन, और इस तरह से ये लोग मेल रिप्रोडक्शन में रेगुलेट करते हैं। तो आपको फर्स्ट तो ये याद रखना है कि कौन कौन सी ग्लैंड होती है, कौन है जो मेल ह्यूमन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उनमें जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, मतलब किस तरह से हमारी ये जो पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किस तरह से काम करती है। तो उसमें तीन याद रखना है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में याद रखना है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस एंड टेस्टिस। नाउ अब किस तरह से ये लोग कौन सा हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, सो हाइपोथैलेमस सीक्रेट जी एन आर एच। हाइपोथैलेमस क्या सीक्रेट करेगा, जी एन आर एच का मतलब होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। प्लीज रिमेम्बर, GnRH का मतलब होगा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ये कौन सीक्रेट करेगा, हाइपोथैलेमस। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड दस इट स्टिम्युलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस तरह से ये जो गोनाडोट्रोफिन हॉर्मोन्स होता है ये जो पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है, याद रखना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, GN का मतलब होता है गोनाडोट्रोफिन, R का मतलब होता है रिलीजिंग, H का मतलब होता है हॉर्मोन्स। सो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करेगा विच एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्लीज रिमेंबर, नॉट पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस प्लीज रिमेंबर। सो ये जो गोनाडोट्रोफिन हॉर्मोन्स होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है, स्टिम्युलेट मतलब उत्तेजित करता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है वो गोनाडोट्रोफिन रिलीज करेगा। अब ये गोनाडोट्रोफिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको जाके बोलेगा भाई उठ 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 तेरा टाइम हो गया, बराबर, चलो भाई फटाफट उठो और हॉर्मोन सीक्रेट करने लगो, बराबर आपका काम है, बराबर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनाने हैं, स्पर्म बनाने, बहुत सारा हमारे पास काम है। तो ये गोनाडोट्रोफिन पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले जगाएगा कि भाई तेरा जो काम है, तेरा काम क्या है, LH और FSH सीक्रेट करना, चलो भाई फटाफट काम पे लग जाओ। सो होता क्या है कि गोनाडोट्रोफिन हॉर्मोन्स स्टिम्युलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। नाउ अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये आपका रिलीज करता है FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स। सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिम्युलेट होगा, किसने जगाया इसको, तो इसको जगाया GnRH ने, क्योंकि हाइपोथैलेमस बोल तो नहीं पाएगा ना, बट वो बताएगा कि भाई टाइम हो गया है, हॉर्मोन्स रिलीज करो, LH टेस्टोस्टेरोन चाहिए, स्पर्म बनाओ, जो हमारे सेकेंडरी सेक्स हॉर्मोन से, सॉरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है जैसे कि इपिडिडाइमिस है, सो इसको ग्रोथ करो, इसका डेवलपमेंट करना है, तो ये कौन करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होगा तब होगा ना, तो उसके लिए गोनाडोट्रोफिन रिलीज होता है। नाउ गोनाडोट्रोफिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा जिसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। नाउ तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिम्युलेट होगा तो ये एक हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, वो अपना काम करेगा कि भाई चलो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स रिलीज कर दिया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड
सीक्रेट FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स। नाउ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स कहाँ पे काम करेगा, तो सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जिसे हमने देखा, सर्टोली सेल कहाँ पे होते हैं, तो मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ। ऐसे तो मैंने पिछले लेक्चर में इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम ऐसा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाए, तो मैंने जो वीडियो दिया बनाया हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सर्टोली सेल क्या होते हैं, याद रखना है सर्टोली सेल क्या होते हैं। तो जो हमारी टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर आप देखोगे तो समझो कि ये हमारी जो टेस्टिस होती है, बरोबर, टेस्टिस के अंदर आपके सर्टोली सेल होते हैं, टेस्टिस के अंदर आपके सर्टोली सेल होते हैं। बट ये सर्टोली सेल कहाँ पे होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आप देखोगे तो समझो कि ये हमारे टेस्टिस है और ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आजू बाजू आपके जर्मिनल एपिथेलियम का लेयर होता है। ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कुछ सेल जो होते हैं वो लंबे होते हैं एंड पिरामिडल शेप के होते हैं, लंबे होते हैं एंड पिरामिडल शेप के होते हैं। इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल या तो नर्स सेल, सर्टोली सेल बोलेंगे या तो इनको हम बोलेंगे नर्स सेल। याद रखना है सर्टोली सेल कहाँ पे होंगे, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं सर्टोली सेल। नाउ तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सीक्रेट करेगा FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स। नाउ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन्स भाई चलते चलते मतलब ब्लड के थ्रू जाएगा, ये सारा ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड में से वो पहुंच जाएगा आपका टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में पहुंच जाएगा, और वहां पे पहुंच के उसका काम है भाई मुझे मैसेज पहुंचाना है सर्टोली सेल तक कि भाई सर्टोली सेल आप अपना काम स्टार्ट कर दो, स्पर्म बनाने हैं आपको, क्या करना है स्पर्म बनाने, तो स्पर्मेटोजिनेसिस शुरू करना है, बरोबर, स्पर्मेटोजिनेसिस। तो नाउ ये FSH सर्टोली सेल को स्टिम्युलेट करेंगे एंड देन सर्टोली सेल सीक्रेट ABP। सर्टोली सेल आप देखोगे ना तो एक हॉर्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम बोलते हैं ABP का मतलब होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। प्लीज रिमेंबर ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो अब क्या हुआ, FSH ने सर्टोली सेल को स्टिम्युलेट कर दिया, बरोबर, सब एक दूसरे को स्टिम्युलेट कर रहे, सर्टोली सेल को स्टिम्युलेट कर दिया। सर्टोली सेल अब हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं ABP। ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ABP। ये आपको पूछा जाएगा कि ABP कौन रिलीज करता है, तो सर्टोली सेल रिलीज करता है। प्लीज नोट डाउन, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मेटोजिनेसिस। प्लीज रिमेंबर एंड प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। कौन, तो सर्टोली सेल आपका एक प्रोटीन रिलीज करेगा ABP जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। नाउ ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मेटोजिनेसिस बाय कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पर्मेटोजिनेसिस। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, स्पर्मेटोजिनेसिस, जिनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, कोई भी चीज जो बनती है उसको हम बोलते हैं जिनेसिस।
तो स्पर्मेटोजिनेसिस का मतलब क्या होगा, स्पर्म का मतलब होगा, स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्मेटोजोवा। तो स्पर्मेटोजोवा जो बनता है बरोबर, वो किसकी हेल्प से बनता है, एबीपी। एबीपी बताता है कि भाई चलो चलो स्पर्म बनने लगो बर। तो ये स्पर्मेटोजिनेसिस कहां पे बनेंगे बरोबर, सर्टोली सेल स्टिम्युलेट करेगा। कैसे बनेंगे के जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उसके जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इसमें ये सर्टोली सेल होते हैं और कुछ छोटे छोटे सेल होते हैं बरोबर, कुछ छोटे छोटे सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, विच इज नोन एज अ स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल। ये स्पर्मेटोजेनिक सेल एक्चुअली आपका स्पर्म बनाता है। तो इस प्रोसेस को कौन हवा देता है, कौन हवा देता है, एबीपी। एबीपी को कौन छेड़ता है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल छेड़ेगा, एबीपी डालेगा। एबीपी क्या करेगा, ये जो सेल है ना ये अपने काम करने लगेंगे, भाई चलो स्पर्म बनाओ स्पर्म बनाओ। तो याद रखना है सर्टोली सेल, आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पर्म कहां पे बनते हैं, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा दूसरा जो सर्टोली सेल होता है वो एक दूसरा भी एंजाइम हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इनहाइबिन। इनहाइबिन ये याद रखना है, इनहाइबिन। तो सर्टोली सेल दो हॉर्मोन्स आपके रिलीज करेंगे, एक एबीपी रिलीज करेंगे जो क्या करेंगे स्टिम्युलेट, मतलब कि प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड देन रिलीज इनहाइबिन हॉर्मोन्स। नाउ इनहाइबिन हॉर्मोन्स डायरेक्टली एक्ट ऑन द हाइपोथैलामस। ये क्या करता है, हाइपोथैलामस को बोलता है भाई बहुत हो गया, जीएनआरएच रिलीज मत करो, हम थक गए, कितना स्पर्मेटोजेनेसिस बनाएंगे भाई, स्टॉप कर दो। तो नहीं तो ये क्या होगा, स्पम बनते रहेगा, हमारा स्पम बनते रहेगा, कोई रोकने वाला भी तो चाहिए ना, कोई रोकने वाला भी तो चाहिए ना कि भाई बस बहुत हो गया। तो ये जो इनहाइबिन होता है, ये इनहाइबिन हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचाएगा कि भाई जीएनआरएच गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन कम कर दो, मतलब कि इनहाइबिन प्रोटीन सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जीएनआरएच। ये सारे ब्लड के अंदर रिलीज होता है जीएनआरएच, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं के जो सर्टोली सेल जो होते हैं वो दो हॉर्मोन्स आपके रिलीज करते हैं, एक है हमारा एबीपी जो स्पर्मेटोजिनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दूसरा हमारा है इनहाइबिन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इनहाइबिन सप्रेस द हाइपोथैलामस, इनहाइबिन हाइपोथैलामस को सप्रेस करता है, भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, बहुत हो गया, अब इतना स्पर्म नहीं चाहिए, इसको स्टॉप कर दो। तो जीएनआरएच स्टॉप हो जाता है। समटाइम कभी कभी ये इनहाइबिन प्रोटीन डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, कैसे कि जो जीएनआरएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच रहा है उसको बीच में अड़चन खड़ी करता है, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं इनहाइबिन प्रोटीन डायरेक्टली एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बाय दिस वे इट ब्लॉक द जीएनआरएच एंड दस एफएसएच का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब देखो एफएसएच हुआ, इसकी वजह से तो ये सारी प्रोसेस हुई ना। ये भाई साहब कहां से आए, सर्टोली सेल की वजह से। ये भाई साहब कहां से आए, सर्टोली सेल की वजह से। बट सर्टोली सेल ने कब रिलीज किया, एफएसएच की वजह से। अब हम अगर हम एफएसएच ही बंद कर देंगे तो ये वापस बंद हो जाएगा, मतलब आपका जो स्पर्मेटोजिनेसिस है इसको इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल सिक्रेशन इज कंट्रोल बाय द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीड, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है नेगेटिव फीडबैक से, कि भाई बहुत ज्यादा हो गया तो बढ़ाना, कम भी तो करना चाहिए ना। ये होता है हमारा सर्टोली सेल का हो गया। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करता है, दिस हॉर्मोन्स स्टिम्युलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेगा। नाउ
एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हमने देखा FSH सीक्रेट करता है, उसी तरह से वो LH भी सीक्रेट करता है। LH जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनिसिंग हॉर्मोन्स, ल्यूटिनिसिंग हॉर्मोन्स। LH का मतलब होता है ल्यूटिनिसिंग हॉर्मोन्स। स्पेलिंग थोड़ा आप लोग देख लेना। सो ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स, सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स विच इज ऑल्सो नोन एज ICSH। इसको हम ICSH भी बोलते हैं, ICSH याद रखना है। ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स इज ऑल्सो नोन एज ICSH। आई का मतलब होता है इंटरस्टिशियल्स, सी का मतलब होता है सेल, एस का मतलब होता है स्टिम्युलेटिंग और एच का मतलब होता है हॉर्मोन्स। क्यों इसको हम बोलते हैं? तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो LH सीक्रेट किया है, ये लेडिक सेल होते हैं उनको स्टिम्युलेट करते हैं। नाउ लेडिक सेल कहां पे होते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी टेस्टिस है, ये टेस्टिस के अंदर आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। समझो कि ये हमारी सेमिनिफेरस दूसरी है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। नाउ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं, टेस्टिस के अंदर आप देखोगे लॉब्यूल्स होते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया, आप प्लीज उस लेक्चर को देख सकते हो। नाउ तो इनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज में बरोबर लार्ज सेल के छोटा छोटा ग्रुप होता है बरोबर, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। दे आर नोन एज अ इंटरस्टिशियल सेल्स। ये कहां पे होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड की एग्जाम में और नीट की एग्जाम में पूछा गया है। इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वहां पे ये सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या तो लेडिक सेल। देयरफोर ये जो LH होता है वो लेडिक सेल को स्टिम्युलेट करता है। इसके लिए हम LH, क्योंकि लेडिक सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, देयरफोर LH को हम ICSH भी बोलते हैं, ICSH, क्योंकि यही हॉर्मोन्स ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिम्युलेट करता है। नाउ अब ये जो लेडिक सेल जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन कहां पे सीक्रेट होता है? मतलब के एंड्रोजन सेक्स, मेल सेक्स हॉर्मोन्स एंड्रोजन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। सो लेडिक सेल सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। नाउ टेस्टोस्टेरोन आपके क्या करेंगे? तो टेस्टोस्टेरोन मेंटेन ग्रोथ एंड फंक्शन। मतलब कि ये क्या करते हैं? जो हमारे सेकेंडरी सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो हमारे सेकेंडरी सेक्स हॉर्मोन्स होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि आपका होता है वासा डिफरेंस हो गया, APT डाइमिस हो गया, इजिक्यूलेटरी डक्ट हो गई, पेनिस हो गया बरोबर, तो ये सारा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं बरोबर, इनके ऊपर एक्ट करता है। ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हमारे डेवलप होते हैं ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन। नाउ ये टेस्टोस्टेरोन प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्पर्मेटोजिनेसिस। तो अब आप देखो लेडी सेल क्या सीक्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक्ट ऑन द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे एक्ट करेगा, मतलब कि उनका जो काम है, फंक्शन है, उनके ग्रोथ और उनके मेंटेनेंस को रेगुलेट करेगा।
नाउ अब ऐसा भी नहीं है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं आपके, इनका जो प्रोडक्शन होता है ये रेगुलेट भी तो हमको करना चाहिए ना, नहीं तो ऐसा होगा कि भाई आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो रिलीज हो रहे हैं और हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल भी तक करना है ना, उनको कंट्रोल भी तक करना है, तो वो काम करता है टेस्टोस्टेरोन खुद ही, टेस्टोस्टेरोन खुद ही करता है, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक देता है। नाउ टेस्टोस्टेरोन एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक, ये हमारा नेगेटिव फीडबैक है, टेस्टोस्टेरोन एक्ट्स ऑन द हाइपोथैलेमस एंड बाय दिस वे इट इनहिबिट्स द ग्रोथ, सॉरी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस को सप्रेस करता है, शांत हो जाओ, बराबर। गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स और LH दोनों के सीक्रेशन को दबा देता है और इस तरह से नेगेटिव फीडबैक देता है कि टेस्टोस्टेरोन, मतलब हमारे बॉडी में ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा भी सीक्रेट नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए, बराबर। तो जब इनका ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस को स्टॉप करता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ GnRH एंड LH प्रोडक्शन, GnRH के सीक्रेशन को इनिबिट करता है, रोकता है, और इस तरह से ये LH प्रोडक्शन को भी सप्रेस कर देता है, क्योंकि GnRH रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी LH सीक्रेट नहीं करेगा, मतलब के ICSH सीक्रेट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमने देखा हॉर्मोनल्स, मतलब के हॉर्मोनल कंट्रोल, हमने आज देखा हॉर्मोनल कंट्रोल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन मेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। सो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज प्लीज आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए, अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज आप उसको भी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेजिए, आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।